हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने आपको कटिंग और मेजरमेंट बताए थे स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरीके से मैं आज आपके लिए सूट के फ्रंट नेक का डिज़ाइन किस तरीके से बनाते हैं उसकी वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपना नेक का डिज़ाइन बनाने के लिए उसकी ब्रेथ और उसकी लेंथ देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो देखिए, इसकी ब्रेथ है 6। अब चलिए इसकी लेंथ देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है। तो देखिए, इसकी लेंथ अगर हम टोटल लेंगे तो इसकी लेंथ आ रही है 7। 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, बट ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा शोल्डर को दबाने में जाएगा, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम इससे नीचे वाला पोर्शन लेंगे, जितने एरिया में हमारा नेक का डिज़ाइन आ रहा है टोटल उतना वाला पोर्शन लेंगे। तो वो आया है मेरा 6, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे का मेज़रमेंट करूँगी अपना। ये देखिए, तो देखिए गाइस, जो ऑलरेडी नेक के डिज़ाइन बने हुए आते हैं, इनको बनाने के भी दो तरीके होते हैं, बट अभी जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो बुकरम में बता रही हूँ। बट एक तरीका ऐसा भी है जो बिना बुकरम के भी हो सकता है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बट अभी देखिए, मैं इसका पहले मेज़रमेंट कर लेती हूँ। जितना मेरा नेक का मेज़रमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा, एटलीस्ट मैं 1 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। और इसका वैसे ही ब्रेथ आपने देखा 6 आया था, तो मैं इसको 9 के समथिंग लूँगी, क्योंकि मेरा इसमें कटिंग में मेज़रमेंट में जाएगा। तो इसलिए ये देखिए गाइस, आप इस तरीके से बुकरम को कपड़े के ऊपर रख कर चेक भी कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कपड़े का जो नेक का डिज़ाइन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपका बुकरम होना चाहिए, क्योंकि बुकरम को हम अंदर को फोल्ड भी करते हैं, तभी हमारे नेक का डिज़ाइन की फिनिशिंग आती है। तो चलिए, अब हम एक कपड़ा ले लेते हैं और इसके ऊपर हम बुकरम को अच्छे से रख कर सिलाई करेंगे। आप पेस्टिंग वाला बुकरम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है, बट मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसके इक्वल इसको कट कर लेती हूँ ताकि मैं इसमें अच्छे से सिलाई कर पाऊँ। गाइस, अगर आप इसके बदले पेस्टिंग वाला बुकरम का यूज़ करते हैं तो आपको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट इसको कपड़े के ऊपर रख कर डिज़ाइन कर सकते थे। बट कोई नहीं, मैं आपको बिना पेस्टिंग वाले बुकरम के ही बहुत प्यारा सा नेक बना के दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, पहले हम इसके चारों ओर अच्छे से सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने बुकरम के चारों ओर सिलाई लगा दी है। और अब मैं सूट को इसके ऊपर रख कर सूट के ऊपर बुकरम के साथ सिलाई करूँगी, ये देखिए इस तरीके से। बट आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपने सूट रखा है, ये सूट आपको उल्टा रखना है, और जो बुकरम वाला पोर्शन है वो सुलटे साइड से रखना है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ गलत करेंगे तो ये पूरा गलत हो जाएगा डिज़ाइन आपका। और ये देखिए, इसको इक्वल इस तरीके से आपने कर देना है सिलाई बीच में। ये बीच वाले पोर्शन में हम लोग सिलाई इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसमें साइड से सिलाई लगाएं तो हमारी अच्छे से फिनिशिंग आए, इधर उधर कपड़ा ना हिले। सो गाइस, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए गाइस, आपको इस तरीके से सेंटर में सिलाई लगानी है। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जिस तरीके से आपका सूट का डिज़ाइन है, सेंटर वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे, इसी सेंटर वाला पोर्शन में आपका ये सिलाई भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगी तो इसके उससे ही साइड वाला जो डिज़ाइन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम सेंटर में सिलाई लगाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, ये मेरा बैक वाला पोर्शन है, और अब मैं इसको इस तरीके से साइड से सिलाई लगाऊँगी, ये देखिए। और ये वाली जो सिलाई है इसको आपने काफ़ी सफाई से सिलाई करनी है, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन ही गलत हो गया तो फिर आपका नेक का डिज़ाइन सेम डिटो ऐसा नहीं बन पाएगा जैसे ये दिख रहा है। तो इसको भी आपने काफ़ी सफाई से करनी है, और हो सकेगा तो डबल सिलाई कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब इसको कट करते हैं तो ये थोड़ा सा
खुलने का डर रहता है इन फ्यूचर, तो इसको आप डबल सिलाई कर लीजिएगा और जितनी सफाई से इसका गला के डिज़ाइन बनाएं उतनी ही सफाई से इसको आप अच्छे से सिलाई करिएगा। पहले ये देखिए इस तरीके से मेरी सिलाई हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने एग्जैक्टली वैसे ही सिलाई करी जैसा डिज़ाइन है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, जो बीच वाला पोर्शन है, एक्स्ट्रा पोर्शन आप कह सकते हैं इसको, इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। और ध्यान दीजिएगा कि कटिंग करते टाइम जो आपने अभी सिलाई करी है वो कटना हो, क्योंकि वो कटोगी तो फिर आपका पूरा सूट वेस्ट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करनी है। ये देखिए थोड़ा सा मेरा कैमरा देख नहीं रहा होगा आपको, सॉरी। तो आप ऐसे ही देख लीजिए इसको, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी मैंने कितना पोर्शन कट किया है। तो देखिए कट कर लिया है मैंने ये वाला बैक वाला पोर्शन, देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट किया है। और जो अभी एक्स्ट्रा वाला पोर्शन है बैक पोर्शन में, इसको भी मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपको कट करना है ताकि ये ईजिली से फोल्ड हो पाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो बीच वाला पोर्शन अभी आपको दिख रहा होगा जो सिलाई वाला पोर्शन है, इसमें बीच में थोड़ा सा कट मारना है ताकि जब उसको फोल्ड करो तो ईजिली से फोल्ड हो जाए। क्योंकि आप डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे तो उतनी सफाई से फिर बन के नहीं आता है नेक, आप कटिंग करके फोल्ड करेंगे तो ये काफ़ी सफाई से बन के आएगा। तो देखिए मैंने कर दिया है, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए गाइस मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको अब इसको अंदर को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके सिलाई मारेंगे। तो देखिए गाइस इस तरीके से मेरा नेक का डिज़ाइन बनकर आएगा। और सॉरी मैंने आपको इसकी सिलाई करते टाइम नहीं दिखाया क्योंकि मेरी पूरी वीडियो ब्लर हो गई थी, तो मैं अगर उसे डालती तो वीडियो लेंदी हो जाती है खाली। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी, बिल्कुल भी बिना स्किप करें। बट जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें बनाने में। तो आप इसको साइड डायरेक्ट फोल्ड करके बना सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा सूट का डिज़ाइन बन के आया है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपको एक और तरीके से ऑलरेडी बने हुए जो नेक के डिज़ाइन होते हैं उनको बनाने का तरीका बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देन मैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और अगर आप मेरी ऐसी और वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उन्हें देखिएगा। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें आपको बताई हैं और बिगनर्स जो हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।